अब ये पांच जबरदस्त फिल्मों के जरिए बॉक्स ऑफिस पर अजय देवगन मचाएंगे धमाल। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एफ स्टार न्यूज। साल 2019 में दो सुपरहिट फिल्में देने वाले अजय देवगन आने वाले सालों में बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अजय देवगन के अपकमिंग फिल्मों की लिस्ट में सारी फिल्में सुपरहिट होने वाली है। जो अजय देवगन ने कई सारी फिल्मों को रिजेक्ट कर दिया है, उसके कारण अजय देवगन की अपकमिंग फिल्मों में थोड़ा बदलाव आया है। जब पहले अजय देवगन तुर्रम खान, लव रंजन की फिल्में करने वाले थे, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक अजय देवगन इस फिल्मों को रिजेक्ट कर दिया है। तो आइए हम जानते हैं अजय देवगन की आने वाली नई फिल्मों के बारे में। सबसे पहले तानाजी द अनसंग वॉरियर, अजय देवगन के करियर की सबसे महंगी फिल्म तानाजी 10 जनवरी को रिलीज होने वाली है। यह कुछ ही दिन पहले अजय देवगन ने यह फिल्म का ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दिया है, और वो भी धमाकेदार पोस्टर के साथ। ये फिल्म में लीड रोल में अजय देवगन के साथ सैफ अली खान और काजोल भी नजर आएगी। दूसरी होगी भूज द प्राइड ऑफ इंडिया। वैसे ये फिल्म एक वॉर ड्रामा फिल्म होगी, और ये फिल्म में इंडिया पाकिस्तान की 1971 की वॉर की कहानी दिखाई जाएगी। और अजय देवगन की ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाएगी, क्योंकि जिस पर ये फिल्म बन रही है वो स्टोरी जबरदस्त है। तीसरी, मैदान। दरअसल ये फिल्म एक बायोग्राफिकल फिल्म है। अजय देवगन ये फिल्म में फुटबॉल कोच सैयद अब्दुल रहीम का किरदार निभाएंगे, और ये फिल्म सैयद अब्दुल रहीम के जीवन पर आधारित होगी। और ये फिल्म में लीड रोल में अजय देवगन और कृति सुरेश होंगे, और ये फिल्म भी 2020 में ही रिलीज होने वाली है। चौथी फिल्म, RRR। दरअसल वैसे तो ये फिल्म एक तेलुगु फिल्म है, लेकिन अजय देवगन पहली बार तेलुगु फिल्मों में काम करने वाले है। जहाँ RRR फिल्मों में अजय देवगन का एक स्पेशल रोल रखा गया है, और ये फिल्म तेलुगु इंडस्ट्री की सबसे बड़ी फिल्म बनने जा रही है, क्योंकि ये फिल्म को डायरेक्शन दे रहे हैं SS राजामौली, जो पहले बाहुबली जैसी फिल्म बना चुके हैं। और ये फिल्म का बजट 400 करोड़ रुपए बताया जा रहा है, यानी तेलुगु की सबसे बड़ी फिल्म में अजय देवगन धमाल मचाते हुए नजर आएंगे। पांचवी फिल्म, सिंघम 3। अजय देवगन के करियर की सबसे सुपरहिट फ्रेंचाइज सिंघम को कौन भूल सकता है। जब सिंघम और सिंघम 2 दोनों ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी, और अब 2021 में हमें अजय देवगन फिर से एक बार बाजीराव सिंघम बनने वाले हैं। दरअसल अगले साल रिलीज होने वाली अक्षय कुमार की सूर्यवंशी फिल्म के क्लाइमेक्स में सिंघम 3 फिल्मों को लेकर हिंट दी जाएगी, और हमें पता चल जाएगा कि ये फिल्म आखिर कब रिलीज होगी। लेकिन इतना कंफर्म है कि सिंघम 3 जल्द ही बनने वाली है। तो फ्रेंड्स, ये थी अजय देवगन की पांच फिल्में जो आने वाले समय पे बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। इनमें से आप कौन सी फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं वो हमें कमेंट करें। ये न्यूज पसंद आए तो उसे लाइक करें। आगे की हर नई अपडेट के लिए FSTAR न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें।